आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, तो आप थंबनेल लेकर समझ गए होंगे और ये आवाज समझकर जान ही गए होंगे कि ये कौन बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए हो मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोगलसराय एक्सप्लोर होने वाला है और मोगलसराय का सभी वीडियो आपको देखने को इस चैनल पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मोगलसराय के सबसे प्रसिद्ध मंदिर हनुमान मंदिर में, जो कि आपको बता दें ये मोगलसराय सब्जी मंडी के ठीक सामने है, राइट साइड। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। और आपको बता दें यहाँ जितनी भी मंदिर है, सबसे अलग यह मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ख़ास तरह के डिज़ाइन वगैरह भी बनाए गए हैं और मार्बल वगैरह भी बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं सामने कि कई भगवान की यहाँ पे मूर्ति आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सामने या कई तरह के यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगाए गए हैं, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स, इसी मंदिर में दुर्गा जी का भी आपको मूर्ति देखने को मिल जाएगा। सामने देख सकते हैं कृष्ण जी, गायत्री और हनुमान जी, गणेश जी और काशी का पूरा दृश्य यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, सामने आप देख सकते हैं कि मोगलसराय सब्जी मंडी है, जो कि अगर आप जाते होंगे तो आप डेली देखते होंगे अगर मोगलसराय के होंगे तो, अगर नहीं जाते हैं तो फ्रेंड्स जाकर जो देखें। जय माँ दुर्गा, ये दुर्गा माता का मंदिर है। ठीक उसी मंदिर के ठीक बगल में सामने आपको हनुमान जी देखने को मिलेंगे, ठीक उनके बगल में आपको दुर्गा माता का मंदिर देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें इनके अगल बगल दो मूर्तियां रखी गई हैं, यानी कि दो फोटो है, जो कि आपको अलग अलग देवी देवताओं को देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सामने देख सकते हैं ये बरगद का पेड़ है, पीपल का, जहाँ पे भगवान शंकर का पिंडी रखा गया है और यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। फ्रेंड्स, आपको बता दें यहाँ नवरात्रि में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है, और ख़ास बात यहाँ यह है कि यह मंदिर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और अच्छा भी लगेगा घूमने के बाद। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसके ठीक सामने आपको हर महाशिवरात्रि को एक शिवलिंग बनाया जाता है, जो कि बर्फ़ का टोटल होता है वो। फ्रेंड्स, बता दें कि शिवरात्रि के एक दिन पहले से तैयार किया जाता है और यहाँ पर आकर रख दिया जाता है, जो कि उसको गलने में काफ़ी टाइम लगता है, यानी कि लगभग एक महीना चल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सामने देख सकते हैं श्रीमती सुशीला देवी वर्मा जी की पूर्ण स्मृति में निर्मित है, यानी कि निर्माण करता है वो इंद्रमणि वर्मा जी, जो सोनियार भवन पटेल नगर में पड़ता है। ये पटेल नगर में आता है यह मंदिर फ्रेंड्स, सोनियार। तो फ्रेंड्स, ये मोगलसराय का सबसे अच्छा और ब्यूटीफुल मंदिर है। नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे मार्बल लगाए गए हैं, सभी चीज़ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया। यहाँ पे दीवारों पर अच्छे तरीके से सभी चीज़ लगाए गए हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस साइड भी काफ़ी अच्छे अच्छे लगाए गए हैं पत्थर। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा मंदिर से बाहर आकर देखते हैं कि अब मोगलसराय में आज काफ़ी भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं आज फ्रेंड्स मोगलसराय एकदम खचाखच भरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊख और अन्य प्रकार के फल काफ़ी प्रसिद्ध हैं और बिक रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दें सामने आपको आर समाज मंदिर देखने को मिल जाएगा, जो कि मंदिर टाइप दिख रहा है गुंबज। और भी यहाँ सब्जी मंडी काफ़ी पॉपुलर है,
मैंने यहाँ के कई वीडियो दे रखी है, तो फ्रेंड्स आपके पीछे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट।